गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एगिलेश, कुछ ऐसे इसका नाम है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिक अटैक्स तो नहीं होते, तो इसकी जगह इसे एक अलग चीज़ मिलती है। जैसे मैंने आयरन डिफेंस समझ लिया ऑन करा है, अब इसने मेरे को मारा नहीं है। एक मिनट, मैं वाइल्ड पोकेमोन्स को ऑन करता हूँ। अब देखिए देखिए, अब मेरे को एक ये कुछ मिल गया इस टाइप का, आपको एक बार दिख रहा होगा। ऐसे ही इसके बेसिक अटैक्स नहीं होते, मारने से नहीं आते। तो अब जैसे आप शेडो स्निक चलाएं, फिर आपने टिकट चलाया, तो कितना ज़्यादा डैमेज आ गया इसका, तो इसका काफ़ी अच्छा डैमेज आता है। देखिए, इसने मेरे को मारा। ऐसे ही आपने शेडो स्निक, फिर ऐसे ही देखें, इतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं आता, पर हाँ बहुत ही ज़्यादा आता है। और इसका जो भी आप मूव यूज़ करेंगे उसमें एक काउंट होगा, मतलब एक बेसिक अटैक आपका पड़ेगा। अब हम इसकी बात करते हैं आगे के मूव की, जिसमें से आप ले सकते हैं सेक्रेट शॉट और वाइल्ड गार्ड या तो आयरन हेड। पर मैं सेक्रेट शॉट और वाइल्ड गार्ड को आपको दिखाता हूँ। वाइल्ड गार्ड से इसके कुछ स्टन भी मिलते हैं, प्लस इसके दो ये बन जाते हैं जैसे बेसिक अटैक। फिर उसके बाद जब आप सेक्रेट शॉट चलाएंगे, उसके बाद जब आप ऐसे करेंगे तो इसके तीन बन जाएंगे। फिर आप थोड़े से कूल डाउन के बाद आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और इसके काफ़ी अच्छा रहता है ये चीज़। और इसमें यूनाइट मूव सेम ही रहती है दोनों की। और आप कोशिश करिएगा सेक्रेट शॉट जब आप चलाएं उसी के बाद ही ये चलाइएगा, वरना ये तीन अटैक्स इतने कुछ फ़ायदेमंद नहीं होते। और अब हम इसके बाद करते हैं आगे के मूव की, नहीं मतलब दूसरे मूव सेट की, जिसका शेडो क्लो और आयरन हेड। और अब हम इसके बाद करते हैं आयरन हेड और शेडो क्लो की। ठीक है, आयरन हेड से इसको एक बस मिलता है बेसिक अटैक, और इससे आप शेडो क्लो पहले जब यूज़ करेंगे तो ये बस मतलब सेम ही रहता है। पर आप आयरन हेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही मिलता है और ज़्यादा डैमेज भी नहीं आता। तो इसी वजह से वैसे तो हर जो भी प्रो लोग होते हैं वो सेक्रेट शॉट को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा डैमेज आता है। अब हम इसकी बात करते हैं यूनाइट मूव की। अब इसकी यूनाइट मूव बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। देखें, इसका 2000 का डैमेज आया और ये पूरी लाइन में आएगा। उसकी बहुत लंबी सी लाइन होती है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब इधर रैक्वाजा है, मैं एक मिनट रैक्वाजा देखें। अब इधर रैक्वाजा है, तो इसको इधर से डैमेज पड़ा है, तो समझ लें अब ये मेरा एनिमी है, इसको मारे जा रहा है। तो फिर इसके बाद जैसे इसकी लो एचपी होगी, मैं जाऊँगा जैसे इसकी है लो एचपी, तो देखें मैं आराम से इसको ख़त्म कर सकता हूँ। जब भी मतलब मेरा होगा ना, जैसे इसे सेव करने के लिए बहुत अच्छी यूनाइट मूव है, उसका डैमेज काफ़ी अच्छा आता है। और यही थी हमारी आज की गाइड वीडियो। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।